नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं और गोरखपुर दौरे के आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में यूपी के कई जिलों से आए हुए 300 फरियादियों की एक एक करके फरियाद सुनी है और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारी को सभी के मामलों को जल्द से जल्द निपटारण करने के भी आदेश दिए हैं। वहीं जनता दर्शन में आए हुए बच्चों को कॉफी और चॉकलेट देकर उन्हें दुलारा भी गया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जनपद बाराबंकी गन्ना संस्थान के से ही किसान जागरण यात्रा पैदल मार्च करते हुए ग्राम पंचायत बथौली किसानों का जत्था पहुंचा, जहां पर आपको बता दें कि बथौली के ही किसानों का यहां पर जत्था जो है पहुंचा हुआ है बथौली में। और ये भी जानकारी सामने आई है कि किसान मसीहा मुकेश वर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जिसमें जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव बबलू और सुनील यादव एडवोकेट सहित तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिजनौर में दंपति को बंधक बनाकर तमंचे के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के ग्राम शाहबाजपुर थाना ट्यूबवेल कॉलोनी में ही देर रात बदमाशों ने दंपति को बंधक बनाकर ही लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। और आपको जानकारी दे दें कि ट्यूबवेल कॉलोनी के पास में मौजूद शकील उर्फ चोनी शादियों में खाना बनाने का कार्य करता है और देर रात 6 बदमाश उसके घर में घुस आए और शकील और उसकी पत्नी सेनुदा से हाथ पैर बांध कर तमंचे के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। जी क्या हुआ? क्या हुआ? बदमाश आए थे, हमारा हाथ गेट खोला, गेट खोल के हमारा ये कमरे का बैठक का गेट खोला, हाथ मारा वो खुल गया। आकर मैं बोली सिप्पू डर तो आवाज दी, यहाँ कोई नहीं है, चुप रहो, रोल मत मचाइयो, अनेक खत्म कर देंगे तुम्हें हम। कितने आदमी थे? 6 थे, 2 अंदर थे, 2 इधर खड़े थे, 2 इधर खड़े थे। क्या क्या ले गए? कानों के, हाथ में, पैरों के, नाक के, 10,000 रुपए उसमें वैसे फुलमार में रखे थे, वे ले गए। मार पिटाई भी की आपके साथ? मार पिटाई करी, तो मंजर में गोली डाल के दिखाई हम पे, गले कंठपटे पे रखा इनके, पीछे को हाथ बांध दिए। योगी सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और अन्य लोगों पर कड़े शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है, लेकिन जनपद बाराबंकी के कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला कायम है। बताते चले कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोठी में लैब टेक्नीशियन द्वारा महिलाओं से जांच के नाम पर पैसे वसूलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक महिला द्वारा लैब टेक्नीशियन को पैसे देते हुए नजर आ रही हैं। और वहीं इस मामले को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने बताया कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दावे को खोखला साबित करने के लगे भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी पर आखिर कब सख्ती से नकेल जो है वो कसी जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो खबर सामने आई है बाराबंकी से सामने आई है, जहां पर भ्रष्टाचार का साफ तौर पर बोलबाला दिखाई दे रहा है। बाराबंकी नगर कोतवाली अंतर्गत कमरिया बाग शमशान घाट नजदीक किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज में जहरीली गैस फैलने से आधा दर्जन से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राएं बेहोश हो गए और वहीं कुछ छात्रों को उल्टी और सांस लेने में दिक्कत भी होने लगी और इस गैस की चपेट में शिक्षक और शिक्षिकाएं भी आई हैं और जिसके बाद छात्र छात्राओं को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया जो मामला निकल कर आ रहा है वो यही कमरिया बाग के जो कबाड़ी है, शेखू है, शेर अली है, बबलू है, इन लोगों का कबाड़ था, उसी कबाड़ के कुछ पोर्शन की लोगों में जलाया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पॉलीथीन थे, कुछ रैपर दवाएं सीसी वगैरह थी, उनसे लगता है कुछ ऐसे जहरीली गैस निकली है, जिससे स्कूल के बच्चों में शिकायत आई। उन लोगों ने, बच्चों ने ये शिकायत किया कि उनमें बेचैनी और उल्टी की शिकायत है। तत्काल हम लोगों ने, स्कूल के स्टाफ ने उनको हॉस्पिटल भेजवा दिया।
झांसी में सामाजिक सद्भाव समर्थक के प्रतीक हजारों बहनों ने जीवन रक्षक बने ईश्वर स्वरूप भाई वरिष्ठ समाज सेवी संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावर्गी ने विवाह अवसर पर बहन शिवानी के पैर पखार कर उपहार भेंट कर दिया। आपको बता दें कि संपूर्ण जीवन रक्षा का वचन दिया है और बहन शिवानी शाक्य निवासी खाती बाबा जिनके पिता मजदूरी का कार्य करते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर ईश्वर स्वरूप बड़े भाई बनकर वरिष्ठ समाज सेवी संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी सामने आए हैं और बता दें आपको कि बहन शिवानी का उनके विवाह पर निःशुल्क श्रृंगार कराया है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत रायबरेली की पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें आपको कि कुल 101 मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है और उनके स्वामियों को इसको दे भी दिया गया है और पुलिस के इस सक्रियता को देखते हुए मोबाइल चोरों के हौसले पर पस्त होते रहे हैं और वहीं चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन को पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे हैं। सभी ने रायबरेली पुलिस अधीक्षक के इस पहल की और कार्रवाई पर आभार जताते हुए उनका धन्यवाद किया है। देखिए, गुमशुदा फोन को ढूंढने के लिए हमारी जो मोबाइल रिकवरी टीम है उसने कुछ दिन पहले एक लिंक आम जनता के यूज़ के लिए वो प्रसारित किया था और उस लिंक के माध्यम से हम लोगों को लॉस्ट फोन्स की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसके पीछे टीम को लगाया गया और टीम ने आज मेहनत करके 101 ये स्मार्टफोन जिनकी मार्केट वैल्यू कम से कम 11-12 लाख रुपए की होगी वो बरामद किए हैं और उनके जो भी मूल रिसिपियंट्स हैं उनको बुला करके फ़ोन उनको हस्तांतरित किए जा रहे हैं। बहराइच में आकाशात्मक जनपदों के लिए नीति आयोग द्वारा निर्धारित सूचकांकों में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित किए जाने के फलस्वरूप नीति आयोग द्वारा अतिरिक्त बजट आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि आकाशात्मक जनपद बहराइच के लिए नीति आयोग द्वारा आवंटित किए गए अतिरिक्त बजट 4.33 करोड़ के अपेक्ष प्रस्तावित लगभग 250 सीटेट क्षमता वाले ऑडिटोरियम निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल कपूरथला का जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बहराइच के थाना मटेरा इलाके के लालपुरा शिवपुरा में 40 वर्षीय युवक ननकू बेटे मुक्कू की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है और परिजनों का कहना है कि युवक चौराहे तक अपना कपड़ा लेने गया था और जब वापस आ रहा था तब गली में सीताराम और मिश्री लाल नामक युवक इसे पीटने लगे और उनका आरोप ये भी है कि उसकी पिटाई 5 और 54 द्वारा की गई है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि चब्बा और पांचू से इनका पुराना विवाद चल रहा था और हालांकि मटेरा थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। दोनों युवकों पर गैर इरादतन हत्या करने का यह मामला सामने आया है, जहां पर बता दें आपको कि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धाराओं में बढ़ोतरी की जा रही है। महोबा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूपी के नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल की मेजबानी महोबा कर रहा है और इसके पहले दिन बता दें आपको कि सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के आमंत्रण पर 14 सदस्य टूर ऑपरेटर्स महोबा पहुंचे हैं, जो महोबा के ऐतिहासिक चंदेलकालीन विरासत को देखकर अचंभित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने सैलानियों को कैसे महोबा लाया जाए इस पर काम कर रहा है। विजय सागर पक्षी विहार में आयोजित कार्यक्रम के बाद देर शाम महोबा के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रंगारंग राजनीति के साथ बुंदेली विधा के लोक गायक आयोजित हुए। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र बुलंदखंड को ही पर्यटन हब बनाने के लिए सरकार काम कर रही है और इसी के तहत महोबा को यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के मेजबानी का मौका मिला है और 3 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल के पहले दिन आए सैलानियों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर द्वारा यहां के नजारों को अपने कैमरे में कैद किया गया है।
अभिनंदन जी, जितना समय हमने यहाँ बिताया है हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ है कि इतनी अच्छी जगह है और जो इतनी अंडर डेवलप्ड है और अनएक्सप्लोर्ड है, तो हमें आज पूरा दिन हुआ यहाँ आए हुए और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कल का कैसा कार्यक्रम होगा जब मंत्री जी खुद आएंगे, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। बढ़ते साइबर अपराधों से बचने के लिए एडीजी जोन प्रयागराज की पहल पर पूरे जोन में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और महोबा में एक दिवसीय साइबर परीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम वीर भूमि डिग्री कॉलेज में आयोजित हुआ है। और इस कार्यक्रम में दिल्ली से आए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रचित टंडन द्वारा साइबर अपराधों से बचाव और कानूनों की जानकारियाँ लोगों को दी गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि साइबर अपराध और डिजिटल क्राइम में बढ़ोतरी लगातार हो रही है और इनसे बचने के लिए लोगों को जागरूक करना ही एक उपाय रह गया है, जिसे एडीजी जोन प्रयागराज ने गंभीरता से लेते हुए 31 जनवरी से 8 फरवरी तक पूरे जोन में ही साइबर परीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम शुरू कराया है। एडीजी जोन प्रयागराज की ये पहल है कि हम उस पूरे जोन में दो सेशंस करें, एक पुलिस के लिए जिसमें पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाए और दूसरे हाफ में बच्चे समाज के लोग और सब लोगों को बुला के किया जाए। कारण ये है कि इस समय साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हम लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए खतरे क्या हैं और उनसे बचा कैसे जाए। हर इंसान के पास स्मार्टफोन है, हम लोग सोशल मीडिया पे हैं और UPI का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। हरदोई के ही शाहबाद में ड्यूटी पर जा रही एक महिला सिपाही चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई है और गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला सिपाही का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। दरअसल शाहबाद कोतवाली में तैनात महिला सिपाही प्रियंका नगर के मोहल्ला खत्ता जमाल खान में किराए पर रहती है और वहां से वो ड्यूटी पर कोतवाली जा रही थी। रास्ते में चाइनीज मांझा की चपेट में आ गई और जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हुई है। महिला सिपाही के नाक और चेहरे पर चाइनीज मांझे से चोटें आई हैं और महिला सिपाही का चिकित्सालय परीक्षण कराया गया है। कोतवाली शाहबाद के नगर क्षेत्र में पंत गबाजों का ही ये जो द्वारा एक बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा सालों से बेचा जा रहा है, परंतु कोतवाली पुलिस लाख शिकायतों के बाद भी प्रतिबंधित चाइनीज मांझा विक्रेताओं और पर छापेमारी नहीं कर पा रही है। कारण कुछ भी रहा हो, तमाम बार पुलिस अधिकारियों से शिकायत की गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से ही युवक की मौत का मामला सामने आया है और वही युवक को बेसुध अवस्था में ही पड़े देखकर परिजन आनंद फानन में अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने 29 वर्षीय युवक विवेक सिंह को मृत घोषित कर दिया है। युवक की मौत से परिजनों का बुरा हाल है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बांदा में ही मढ़ौंद मंडी के पास तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने ही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और इस दौरान बाइक में सवार दो लोगों की मौत हो गई है। और आपको बताते चले कि पूरा मामला बांदा के जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां मटौंद थाना क्षेत्र के मटौंद मंडी के पास तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। वहीं घटना में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दो केस थाना मटौंद की पुलिस लेके आई हमारे पास में, दोनों ही ब्रांडेड है। एक है गोलू सनाफ बाबू, ये 22 साल के पुरुष है, एक छोटा बच्चा है रुद्र 5 साल का। हर्ष थाना मटौंद क्षेत्र अंतर्गत 30 तिराहा के पास एक मोटरसाइकिल और एक बुलेरो में भिड़ंत हुई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है और एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 5 वर्ष है, तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। आगे पंचायत नाम और पोस्टमार्टम की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलेरो सवार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और जो घायल हैं उन्हें तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया।
हरदोई में गन्ना से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर किसान की मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक फरार हो गया। दरअसल थाना पिहानी के जरेली गांव निवासी धर्मेंद्र किराए से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपना गन्ना उस पर लेकर चीनी मिल गन्ना बेचने लाया था और मिल में लंबे समय लाइन होने के कारण वो अपनी तौल का ही इंतजार करने लगा और जिसके बाद गन्ने से लदी ट्रॉली के नीचे सो गया। गन्ने की टोल का नंबर आने पर रात चालक ने ही ट्रैक्टर ट्रॉली को आगे बढ़ा दिया, जिससे ट्रॉली के नीचे सो रहे धर्मेंद्र के पेट पर ट्रॉली का टायर चढ़ गया और उसकी मौत हो गई। सहारनपुर में पुलिस के द्वारा एटीएम के पार्टर्स को चोरी करने की जो घटना है उसका खुलासा करते हुए साथ ही अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है। मामले को लेकर एसपी देहात सूरज कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाना नकुर पुलिस के द्वारा मात्र डेढ़ घंटे में ही एटीएम को डैमेज कर एटीएम के पार्ट्स को चोरी करने की घटना सफल अनावरण करते हुए एक शातिर अभियुक्त रिंकू को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक एटीएम मशीन और डायलर, दो छोटी बैटरी और घटना में प्रयुक्त एक लोहे के सरिया का टुकड़ा भी बरामद किया गया है। देखिए, कल रात थाना के अंतर्गत बेटापीर कस्बे में एक एटीएम मशीन के साथ चोरी का प्रयास किया गया और उसको क्षतिग्रस्त करके उसका डायलर और बैटरी निकाल ली गई। थाना नकुर पुलिस ने बहुत ही कम 2 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। जो एटीएम का क्षतिग्रस्त किया हुआ हिस्सा है इसकी बरामदगी हुई है। इसके साथ साथ जो सरिये का एक टुकड़ा और ईंट जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है उसको भी बरामद किया है। हजार की नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बदमाश का एक साथी भागने में सफल रहा। दोनों तरफ से गोली चलने से बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुठभेड़ की जानकारी मिलने पर पुलिस आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की जाँच शुरू कर दी गई। ये आज डकोर थाना क्षेत्र में एक दुर्दांत गौकश का अपराधी जो ऐसा अपराध करता है जिससे कि समाज में लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। यह दुर्दांत अपराधी जो कानून को नहीं मानता, जो यहाँ की न्यायपालिका को नहीं मानता और इसके ऊपर आधा दर्जन मुकदमे तो जिला जालौन में है, बाकी औरैया और आस के मध्य प्रदेश के जिलों में भी उसके ऊपर मुकदमे, गंभीर धाराओं के मुकदमे। इस दुर्दांत अपराधी जिसका नाम जावेद है और जो कानपुर देहात का रहने वाला, इसके ऊपर 25,000 का इनाम था जालौन पुलिस की तरफ से। आज सूचना मिली थी कि ये दुर्दांत अपराधी डकोर थाना क्षेत्र में आएगा कोई आपराधिक घटना करने के इरादे से। इस सूचना पर सीओ सिटी ओरई के नेतृत्व में इंस्पेक्टर डकोर और एसओजी की पूरी टीम लगाई गई कि इस दुर्दांत अपराधी को आज पकड़ना है, गिरफ्तार करना है। कल देश का आम बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। सरकार का कहना है कि मध्य वर्ग को इससे काफी फायदा मिलेगा और इसके साथ ही आयकर में बड़ी छूट का ऐलान भी किया गया है। अब 7 लाख तक की गाड़ी कमाई का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं पीलीभीत में टैक्स के जानकार लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है तो कुछ और आम लोगों का कहना है कि ये आंकड़ों की जादूगरी है। आयकर अधिवक्ता होने के नाते मेरा ये कहना है कि 7 लाख रुपए का ये जो आंकड़ा दिया जा रहा है, इसको बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, इससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट्स नहीं है। अगर नई स्कीम में कोई अपने आयकर देना चाहता है तो उसको सारे अपने डिडक्शंस भी छोड़ने पड़ेंगे और वो जो बचत योजनाएँ उसकी हैं उसको भी छोड़ना पड़ेगा, उसका कोई बेनिफिट्स उसे नहीं मिलेगा। तो ये एक आंकड़ों की जो है जादूगरी कही जा सकती है। एडवोकेट फैजान अली खान, जैसा कि हम लोगों को मालूम है आज हमारा आम बजट पेश हो गया है और 7 लाख रुपए की आय तक अब आयकर से छूट रहेगी अगर हम लोग नई टैक्स प्रणाली को अपनाते हैं। लेकिन अगर हम नई टैक्स प्रणाली अपनाते हैं तो बहुत सी ऐसी छूटें जो पुरानी टैक्स प्रणाली में थी, जैसे होम लोन, किराए घर का किराया, ये जो छूटें छोटी छोटी मिलती थी वो अब हमको इसमें नहीं मिलेंगी। ये सब जो आज बजट आया है इसमें जो सरकार ने 7 लाख रुपए तक का
आयकर से छूट दिया है, तो इस पर नौकरी पेशा के जो लोग हैं उस पर इसका क्या असर पड़ेगा और जो मध्यम वर्ग हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? हेलो, मेरा नाम सीए मासूम बख्श शमसी है। जैसा कि आज हमने सुबह देखा, आज बजट 2023 रिलीज हुआ है। सरकार ने उसमें बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत सारे उसमें एडवांटेज हैं, मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं। मीडियम क्लास के लिए एक्चुअली दो स्कीम है इनकम टैक्स की, एक न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम। न्यू स्कीम में तो काफी सारे चेंजेस आए, मगर ओल्ड स्कीम एज इट इज है। जबकि नंबर ऑफ असेसीज अभी न्यू स्कीम में कम है, इसलिए सरकार का ऑब्जेक्टिव यह है कि न्यू स्कीम में ज्यादा से ज्यादा असेसी आए। आज जो मोदी जी 2.0 की सरकार में जो बजट जारी हुआ, आखिरी बजट जारी हुआ, तो क्या कुछ बजट से राहत मिलेगी लोगों? ये जो बजट है ये दूर की ढोल सुहाने लगने जैसा बजट है। इसमें शिक्षा का बजट घटाया गया है और स्वास्थ्य का भी बजट घटाया गया है। इससे जनता को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। जो बड़े लोग हैं, जो धन पशु लोग हैं, वह उन लोगों का टैक्स बचाने का ये बजट है। ये बजट आम जनता के लिए किसी प्रकार से कोई राहत नहीं दे रहा है। जी, इसमें जो आज टैक्स बजट आया है, यूनियन बजट, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो आज वर्ष 2023-24 के लिए हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स इसलिए पेश की है, उस संबंध में मैंने ये देखा है कि जो अब नया बजट, जो नया टैक्स पेयर है, वो जो नई टैक्स व्यवस्था लेंगे उसमें 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।